सत श्री अकाल वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वी आर बैक अगेन विद द न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो होने वाली है कौन बनेगा जन्नती का एक और एपिसोड हम आपके लिए लेके आ गए हैं। लेकिन इसका टाइटल बहुत ज्यादा अजीब सा है कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में बड़ा खुलासा कि भाई क्या होगा इस वीडियो के बीच में, ऐसा कौन सा क्वेश्चन होगा जो खुलासा होगा उनका। सो इसको हम करते हैं प्ले और फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने अपने क्वेश्चंस बताते हैं ना कि कितने सही हुए। तो हम भी करते हैं प्ले। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए अब्दुल मुत्तलिब, बी अब्दुल मनाफ, सी अब्दुल्लाह, डी हाशिम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। नो गाइस, नो गेस नहीं है पर दादा भाई। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है हाशिम। कौन से इमाम एक रकात में पूरा कुरान पढ़ते थे? आपके ऑप्शन है ए अहमद बिन हंबल, बी इमाम मालिक, सी इमाम अबू हनीफा, डी इमाम शाफई। हमने नाम सिर्फ सुना है अबू हनीफा का भाई, बाकी किसी का नाम भी नहीं सुना है हमने। हम तो नहीं को कहेंगे कि भाई सी हो सकता है क्योंकि हमने बाकी नाम सुने नहीं है भाई। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। हमने इनका नाम ही सुना था गाइस, इमाम अबू हनीफा। गुलामों में सबसे पहले ईमान कौन लाया? बता। आपके ऑप्शन है ए हजरत बिलाल, बी सलमान फारसी, भैया हजरत बिलाल, सी बनू मूसा, डी हजरत जैद बिन हारिस। और आपका वक्त शुरू होता है ए हजरत बिलाल भाई। जहां तक हमारा गैस है, गैस के हमने जहां तक पढ़ा है सुना है तो वही है। जैद बिन हारिस नहीं है, हजरत बिलाल ही है। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जैद बिन हारिस सही जवाब है, हजरत जैद बिन हारिस। जैद बिन हारिस का है। नबी करीम को कौन सी चीज खाने में नापसंद थी? आपके ऑप्शन है ए लौकी, बी कच्चा प्याज, सी कद्दू, डी मिर्च। मिर्च। और आपका वक्त शुरू होता है अपनी मर्जी से अब। देखते रहना भाई कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए हैं ना ये। लौकी होती थी उस टाइम में। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। कच्चा प्याज। सही जवाब है कच्चा प्याज। लोग भाई क्वेश्चन सही है गाइस, सच्ची बताना मैं नहीं बता। जंगे बदर में मुसलमानों के पास कितने झंडे थे? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 17, सी 19, डी 3। तीन हो सकते हैं मे बी, तीन या पांच। आपका वक्त शुरू होता है अब। कम ही होंगे जहां तक मेरा गैस है ना। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। तीन। सही जवाब है तीन। जन्नत में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी किससे होगी? आपके ऑप्शन है ए फिरौन की बीवी, बी हजरत सुमैया, सी राबिया बसरिया, डी बिन्त किलाब। और आपका वक्त शुरू होता है हजरत सुमैया थी, वो थी ना जिनका पहला वो हुआ था कत्ल है ना इस्लाम में, राबिया बिनते किलाब। ये हमें नहीं पता गाइस। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। फिरौन की बीवी सही के साथ जवाब भाई। है फिरौन की बीवी, क्योंकि उसने तो एक्सेप्ट कर ही लिया था ना। इनमें से कौन आसमानी किताब है? आपके ऑप्शन है ए बाइबल, बी कुरान, सी वेद, डी पुराण। कुरान। और आपका वक्त शुरू होता है अब। hmm.
शंकर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है कुरान। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? 600 वर्ष। आपके ऑप्शन है ए 1000 साल, बी 900 साल, सी 175 साल, 900 साल, डी 125 साल। 900 साल में भी 900 होता है। अब 900 ही है, हजार वर्ड तो मैंने सुना नहीं कभी। 900 साल या 600 या 900 लग रहा था मेरे को। कंप्यूटर जी ऑप्शन में भी सही जवाब। 125 साल जवाब है 125 साल। रोजा रखना क्या है? जरूरी। आपके ऑप्शन है ए फर्ज, बी सुन्नत, सी वाजिब, डी नफिल। आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट में दें। सही जवाब जानने के लिए कल का एपिसोड देखना ना भूलें। चलो जी गाइज, इसका आंसर बता दें। मेरे ख्याल से तो फर्ज है। वैसे हमें ना गाइज इनके मतलब नहीं पता है कि क्या। फर्ज का तो पता है कि हमारा फर्ज है ये। सुन्नत का मतलब नहीं पता हमें क्या होता है। वाजिब का मतलब कि जरूरी है, जरूरी होता है वाजिब का मतलब, है ना, ये बताना। जरूरी है भी हो सकता है इसका आंसर, पर फर्ज है। और नफिल का मतलब कि नहीं, नहीं हो सकता है नफिल। तो ये बता देना इनके मतलब क्या है। तो बाकी आंसर भी बता देना कमेंट्स में आप। और कितने आंसर सही निकले, हाँ कितने सही निकले ये जरूर बताना कमेंट करके। और फिर अगर आप चाहते हो हम ऐसी ही और वीडियो लेके आए तो फिर हम रेगुलर बेसिस पे ये वाली वीडियो स्टार्ट कर देंगे। सो बाकी तो फिलहाल छोड़ना गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।